हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 34 करेंगे, हिंदी के अक्षरों का महत्व, क्लास 6th की। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में हमने लेखक गुणाकर मूले के निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो पता लगाया हमने कि अक्षरों की खोज किसने कब और कैसे की। तो चलिए आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का बहुत ही तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और किसने बनाए गए, ये हमें जानना जरूरी है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आगे हम अगले वर्कशीट में पढ़ेंगे। गतिविधि: लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि विषय में बताएं। तो लिखित भाषा स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूरदर्शन के इलाकों में भेज पाते हैं। इस भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित है। मौखिक भाषा: मौखिक भाषा सहज है, मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अब क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? अक्षरों की। मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का डैश हुआ, तेजी से विकास हुआ। अब चौथा क्वेश्चन है, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है? तो अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के लिए इस्तेमाल हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद मानव जाति का विकास हुआ। तो बच्चों, आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।